अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। मेरे पास ये 1 किलो सूजी है, इसमें मैंने 10 से 12 इलायचियाँ छील के छोटी इलायचियाँ डाल दी हैं, इसकी मैं बुनाई करूँगी। इसके अलावा दूसरी तरफ ये पानी जो है मैंने बॉईल करने रख दी, इसमें 16 कप पानी के हैं। ये देखिए, ये एक ये सूजी का था 1 कप, इस तरह के 4 कप थे ना, तो ये 16 कप पानी के इसमें, यानी 4 गुना पानी इसमें पड़ता है। साथ मैंने हल्का सा फूड कलर डाल दिया। इसके अलावा इसमें 1 किलो ही चीनी जाएगी और 1 किलो देसी घी जाएगा। इसके अलावा वो बादाम मैं ये छील के डालूँगी, गिरी है वो डालूँगी। ये सारी चीज़ें साथ साथ इसमें करेंगे। ये 1 किलो चीनी इसमें गई। चम्मच चला दूंगी। एक तरफ ये इसकी चाशनी चीरा तैयार होगा, दूसरी तरफ मैं सूजी को भूनने लगूँ। एक साइड पे आप देख रहे हैं सूजी की बनाई हो रही है, सेंटर में मैंने पानी इसमें रख दिया। इसको साइड पे भी करती हूँ, घी के बगैर इसकी बनाई हो रही है। बस थोड़ी देर भून के तो इसमें घी जाएगा, फिर घी के साथ इसकी बनाई हो घी डाला है, तकरीबन भी 1.25 किलो घी डाला है। इसकी बनाई कर रही हूँ। पूरा किलो ही घी जाएगा। एक किलो पूरा घी जाएगा, फिर ये सही टेस्टी बनेगा। देसी घी से इसका फ्लेवर आता है। ऑयल में भी बना सकते हैं आप, अच्छा सा कुकिंग ऑयल। पूरा ही 1 किलो घी डाल दिया, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता वो जो पानी बॉयल हो रहा है इसमें ऐड कर दूँगा। ये सूजी का कलर चेंज हो रहा है, गोल्डन शुरू हो गई। बस अब इसको आग हल्की करके मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी। पानी इसमें ऐड कर दिया सूजी भून के, अब इसमें बादाम और गिरी जाएगी और साथ ही हो जाएगी किशमिश। ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं, मेरे पास काजू पड़े हैं वो मैं बारीक बारीक काट के डाल देती हूँ। ये काजू काट के ये इसमें ऐड कर रही हूँ, साथ ही वो सोगी साथ धो के रखी है मैं। ये देखें जी, माशाल्लाह हलवा तैयार हो गया। इसको मैंने ये देखे कितना प्यारा दानेदार हलवा बना, बहुत ही मज़ेदार है। ये ऊपर आपको ये देसी घी नज़र आ रहा होगा। 10-15 मिनट ढक्कन दे के जैसे ही पानी में डाला था उसमें एकदम उसने पी के गाढ़ा होना शुरू हो गया था। मैं पकाती रही 5-10 मिनट तक उसको चूल्हे पे पकाया, उसके बाद चूल्हा बंद करके तो ऊपर मैंने ढक्कन दे के ढक दिया था, तो ये दम में तैयार हो गया। और ये देखे बेहतरीन हलवा तैयार हुआ, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।